बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। जी, आपका एक भाई एयरफोर्स में लगा, हाँ, वैसे मेरा बड़ा भाई एयरफोर्स में। वो भी इंटेलिजेंट, हाँ, वो भी काफी इंटेलिजेंट। भावुक हो गया आपको ऐसा लग रहा है कह मुझे रहा हूँ अच्छा, जी, अगर बेस्ट इज टैगोर, मेरे लिए सबसे बेस्ट है। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दो दो बच्चे कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले तो मेरा बच्चा एयरफोर्स में लगा, वो टैगोर की देन है। फिर मेरी लड़की बीएससी फाइनल की, और फिर मेरे लड़के को जे एडवांस क्लियर क्या किया। तीनों बच्चे टैगोर में पढ़ते थे? तीनों टैगोर में है, और दो मेरे छोटे भाई के वो भी टैगोर में जा वो रहे हैं। भी एक जमींदार का लड़का होते हुए, जमींदारी का खेती का काम करते हुए और इतनी पढ़ाई की और आईआईटी में क्वालिफाई किया, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये उत्तम कृषि मध्यम व्यापार वाली बात है, तो कृषि तो उत्तम अपने हाँ, आप में। कृषि तो उत्तम अब है। बच्चों को पढ़ाए लिखाए, अब मतलब इंजीनियर बनाएंगे। हाँ, देखो, इच्छा तो है ये जी, हाँ, और आगे नागे तो बन ही जाएगा। हाँ, तो बन जाएगा, तो बढ़िया ही है, हाँ। बनाने खातिर तो कर ही रहा है। दीपांशु ने हमारे गांव का नहीं, पूरे क्षेत्र का ही नाम रोशन किया है, और हम इसके जो माता पिता और इसके गुरुजियों को बहुत धन्यवाद देते हैं, जो ऐसा हमारे परिवार और गांव का नाम रोशन करने में इस बच्चे को तैयार किया गया है। मेहरबानी है आप सब, ये टैगोर की मेहरबानी है। हमने कभी नहीं सोचा नहीं था आगे भी मेरे बच्चे भी इतने जाएंगे, ये सब टैगोर की देन है। टैगोर की दे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। जाट गांव के अंदर ये भाई आप देख रहे होंगे, दीपांशु जो है, इन्होंने आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक किया है। ये घर पर मौजूद हैं हम, और पूरे घर परिवार से बातचीत करेंगे। इनके मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी जो भी हैं सभी से बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। मेरा नाम दीपांशु है, मैंने जेई एडवांस 2023 में ऑल इंडिया रैंक 1870 सिक्योर किया है, और जो 4 जून को इसका एग्ज़ाम था। अच्छा, आईआईटी ही करना है, ये दिमाग को कैसे है? ये सर पहले से ही था, 12th के साथ मैंने तैयारी की थी, और मैं साथ साथ एनडीए की भी कर रहा था। अच्छा। तो उसमें फिर मैंने 12th में एग्ज़ाम दिया तो मेरा हो गया था, और पर जेई में मेरा इतना अच्छा रैंक नहीं था, तो मैंने अच्छा। एक साल रुक के तैयारी की, और इस साल मेरा अच्छा रैंक आया। अच्छा, पिछली बार के रैंक से आप संतुष्ट नहीं थे, हाँ सर, इस वजह से फिर से अपनी पढ़ाई जारी रखी, जो प्रिपरेशन वाली पढ़ाई। वैसे किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन नहीं लिया? नहीं सर, उस समय कुछ मिल रहा था, एनआईटी मिला होगा? एनआईटी कॉलेज मिल रहे थे पर वो अच्छे नहीं थे, इसलिए अच्छा। मैंने अच्छे कॉलेज अच्छे तो हैं वो, लेकिन आपको एनआईटी में शायद नहीं जाना था। एनआईटी में नहीं जाना था इसलिए मैंने एक साल दोबारा तैयारी। अब कौन से कॉलेज में एडमिशन होने? अब मेरा टॉप 10 IITs में हो जाएगा आराम से। अच्छा, टॉप 10 में हो जाएगा जी सर। काउंसलिंग के लिए कब जा रहे हो फिर? काउंसलिंग अभी ऑनलाइन चली हुई है। और अच्छा, यहाँ जब आप पढ़ाई करते थे तो कैसे पढ़ाई करते थे? मेरा डेली रूटीन ये रहता था, सुबह 5:30-6 बजे के लगभग उठना, उसके बाद मैं क्लासेस लेता था रेगुलरली। क्लासेस कहाँ से लेते थे? क्लासेस मेनली स्कूल से किया हुआ था, और बाद में मैंने ऑनलाइन भी तैयारी की थी। कौन से स्कूल से पढ़ाई की है? मैंने टैगोर स्कूल महेंद्रगढ़ से पढ़ाई की थी। अच्छा। उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करता, उसके बाद मैं डेली रिवीजन करता था, डेली रिवीजन के बाद मैं मॉड्यूल्स ऑनलाइन कोचिंग्स के परचेज किए थे वो सॉल्व करता था, और डेली रिवीजन करता था। अच्छा, स्कूल आपने बताया टैगोर, जी सर, कैसी पढ़ाई होती थी वहाँ पर? टैगोर सर अच्छी पढ़ाई होती थी, मिक्स करिकुलम था वहाँ पे, बोर्ड्स प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोनों की तैयारी करवाई जाती थी। अच्छा, स्टाफ वगैरह? स्टाफ सर अच्छे थे, सभी टीचर्स वेल एक्सपीरियंस थे, और सभी को अच्छा मतलब नॉलेज। कोई ऐसा टीचर हो जो आपके दिल के करीब रहा हो? हमारे थे केमिस्ट्री के टीचर निशांत सर, मतलब कोऑपरेटिव थे, और सभी बातें मतलब उनको हम बताते थे, और वो उनका सॉल्यूशन भी करते थे। बात करें मैनेजमेंट से संबंधित, तो मैनेजमेंट कैसा था? मैनेजमेंट टैगोर का जैसा सपोर्टिव था, कोई भी बात वो आप बताएं तो सॉल्यूशन वो देते थे आपको। दूसरे टीचर्स का जिक्र नहीं किया आपने, केमिस्ट्री टीचर की बात करी बस? नहीं, टीचर सभी अच्छे थे, पर वही क्लोज टीचर वही थे मेरे ज़्यादा। अच्छा, तो यहाँ आप लेट इन नाइट तक पढ़ते थे, अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ाई? नहीं, मैं लेट नाइट तक पढ़ाई करता था, रात को 2-3 बजे तक, और सुबह थोड़ा लेट भी हो जाता था, पर मैं लेट नाइट प्रेफर करता था। आप खेतों में रहते हैं? जी सर। जमींदारी का काम है यहाँ पर, पशुपालन भी कर रखा है यहाँ पर, है ना? जी सर। तो आपसे करवाया जाता था? नहीं, ऐसा था, टाइम टू टाइम की बात होती सर, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं मदद कर देता था, वरना पेरेंट्स कोई बर्डन नहीं डालते थे, मेनली फोकस पढ़ाई पे। लेकिन आप सारा करना जानते हो? जी सर। आप कर सकते हो, अगर मान लो हेल्प हाँ वगैरह करनी हो तो घर वालों की कर सकते हैं आप? जी सर। तो हम जहाँ मौजूद हैं वो गांव है जाट, गांव जाट के जो बवाना वाला रोड है ना, उसके ऊपर इनका घर पड़ता है दीपांशु का।
IIT JEE एडवांस का रिजल्ट जैसा कि आप जानते हैं आ ही चुका है। इनकी एक अच्छी रैंक, अभी टॉप 10 के अंदर इनका IIT में एडमिशन भी हो जाएगा। 1870 इनकी रैंक है। टैगोर से इन्होंने पढ़ाई करी और जी जमींदारों के घर से हैं, जमींदारा करना भी जानते अच्छे से। इनके पिताजी से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आप क्या करते हैं जी? मैं तो जी जमींदारा करता हूँ। आप जमींदारा करते हैं, तो बेटे को इतना पढ़ा लिखा कि मतलब कुछ बनाना है, कैसे? हाँ जी, मेरे दिमाग में था जी, मेरे बहुत से सहयोगी थे जो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, और सबसे अच्छा तो मेरे को टैगोर स्कूल के निशांत सर ने कोऑपरेट किया। अच्छा, तो टैगोर स्कूल से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला? मेरे मैं कह रहा हूँ जी, अगर बेस्ट इज टैगोर, मेरे लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दो दो बच्चे कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले तो मेरा बच्चा एयरफोर्स में लगा। अच्छा। वो टैगोर की देन है, फिर मेरी लड़की BSc फाइनल की। अच्छा। और फिर मेरे लड़के को जेई एडवांस क्लियर किया। तीनों बच्चे टैगोर में पढ़ते हैं? तीनों टैगोर में है, और दो मेरे छोटे भाई के वो भी टैगोर में जा रहे हैं। टैगोर में जा रहे हैं। अच्छा, तो पहले आप कह रहे हैं कि एयरफोर्स में कोई लड़का लग गया? हाँ, मेरा बड़ा लड़का, बड़े वाला लड़का, तो वो एयरफोर्स में लग गया। 12वीं करते करते पढ़। अच्छा, फर्स्ट अटैम्प्ट जो गुड़िया है वो भी वहीं से पढ़ रहे हैं? वही सारे बच्चे मेरे वही चल रहे हैं। पढ़ाई कर रही है? हाँ, पढ़ाई कर रही है। BSc फाइनल हो गया। अच्छा, और कब डाला था इसको एडमिशन, कब कराया था दीपांशु को? ये 8वीं में भेज दिया था जी। 8वीं भेज दिया। आठवीं के बाद कंटिन्यू वहीं पर पढ़ाई? कंटिन्यू वहीं चल रहे हैं जी। और मेरे अगर दिमाग से कोई पूछे तो सबसे बेस्ट टैगोर है महेंद्रगढ़ में, इससे कोई नहीं है। हाँ जी, तो बेस्ट स्कूल जो है ना इनकी तरफ से है टैगोर, क्योंकि इनके सारे बच्चे वहीं पर पढ़े हैं और साथ में कामयाब भी हुए। यहाँ पर दादाजी बैठे हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम। तो बेटा अब IIT जाएगा पोता? हाँ जी, पोता IIT की जाएगा। IIT IIT जाएगा। तो आप भी जमींदार वगैरह? हाँ, जमींदार, जमींदारा ही करते हैं हम, और जमींदार आदमी हैं और सब काम करते हैं हम। तो कहते हैं ना, उत्तम कृषि मध्यम व्यापार वाली बात है, तो कृषि तो उत्तम अपने। हाँ, कृषि तो उत्तम है। बच्चों को पढ़ाए लिखाए, अब मतलब इंजीनियर बनाएंगे। हाँ, देखो इच्छा तो है ही जी। हाँ। और आगे नागा तो बन ही जाएगा। हाँ, तो बन जाएगा। तो बढ़िया ही है, बनाने खातिर तो कर ही रहा है। सही बात है। एक लड़का एयरफोर्स में लग गया। हाँ, बड़ा लड़का एयरफोर्स में है, लड़की BSc कर ली। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात। आपके कितने लड़के हैं? हमारे तीन बच्चे हैं। तीन बच्चे। हाँ। तो ये जो है इनके दीपांशु के पापा, ये बड़े हैं? बड़े लड़के। बड़े। अच्छा, और उनके दो इनसे छोटे हैं। ठीक ठीक। तो यहाँ कुछ साथी और बैठे हैं, आप क्या लगते हैं जी दीपांशु के? मैं चाचा लगता हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे दीपांशु के बारे में? मैं दीपांशु जी के बारे में यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा होनहार लड़का है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। एक जमींदार का लड़का होते हुए, जमींदारी का खेती का काम करते हुए, और इतनी पढ़ाई की और IIT में क्वालिफाई किया, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये उन युवा बच्चों के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए इसने इतना अच्छा स्टेप उठाया है कि वो बच्चे भी कुछ इसको देख के आगे बढ़ने का काम करेंगे। जी जी, आप क्या लगते हैं? चाचा लगता हूँ। अच्छा अच्छा जी, क्या कहेंगे दीपांशु सर जी? ये शुरू से ही पढ़ाई से 13-13, 14-14 घंटे पढ़ाई, अपने कमरे में दूसरे बच्चों के पास नहीं जाना, ये शुरू से ही होना रहा है। शुरू से ही पढ़ाई से और ज़मीन से जुड़ा बच्चा है सर जी, ये बहुत अच्छा है जी। बढ़िया बच्चा है, समझदार था हमेशा ही, माँ बाप और दादा दादी हर परिवार में हर तरह से, मतलब हर रेस्पेक्टफुल लड़का है। और इसने आज हमारा गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है, IIT में इन्होंने अपना सिलेक्शन प्राप्त किया है, हमें बड़ी खुशी है, पूरे के समाज को और गांव को इसके इनके ऊपर गर्व है। तो इनकी माताजी जो है और इनकी जो सिस्टर है उनसे भी बातचीत करते। राम राम जी। राम राम। बेटा दीपांशु अब बन गया IIT के लिए, मतलब एडमिशन हो गया है, क्या कहेंगे दीपांशु के बारे में? जी, बहुत खुश हैं दीपांशु से। तो फिर अच्छे से बोलो, आप खुश हैं तो बस इससे आगे इससे आगे नहीं बोला जाता। तो गृहिणी है ये, आपकी गुड़िया होगी ना एक? हाँ जी बेटी। हाँ जी गुड़िया, क्या नाम आपका? नेहा। नेहा, क्या कहेंगे दीपांशु के बारे में? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे भाई ने IIT क्लियर किया और बहुत बड़ी बात हम लोगों के लिए। जी, आपका एक भाई एयरफोर्स में लगा हुआ है? हाँ, मेरा बड़ा भाई एयरफोर्स में, वो भी इंटेलिजेंट। हाँ, वो भी काफी इंटेलिजेंट। भावुक हो गए आपको ऐसा लग रहा है। चलिए, आप BSc कर रहे बताएं अभी? हाँ, मैं BSc फाइनल कर ली, अब मैं MSc में एडमिशन लूंगी। अच्छा, अभी आप टैगोर में पढ़ाई करते थे स्कूल में, आप भी टैगोर में थे? यस सर। कैसा स्कूल था टैगोर? काफी अच्छा है, डिसिप्लिन सब बढ़िया। और स्टाफ की अगर बात करें तो? सब बहुत अच्छे से बच्चों की करते हैं। अब दीपांशु का सिलेक्शन हुआ है ना, तो ये गुड़िया भावुक हो गई पूरा, और आंखों में से ना अपने आप ही आंखों बनने लग गए। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा जो है ना सिलेक्ट हुआ, और
कुछ बड़ा करेगा बाकी चल के ना। आपकी मेहरबानी है, आप सर टैगोर की मेहरबानी है, हमने कभी नहीं सोचा नहीं था अगर भी मेरे बच्चे भी इतने जाएंगे, ये सब टैगोर की देन है, टैगोर की देन। चलिए, और मैं धन्यवाद करता हूँ निशा मैडम जी का और राहुल सर का और निशांत सर का जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो यहाँ आज हम पहुँचे थे गांव जाट के अंदर, और गांव जाट जो महेंद्रगढ़ जिले का एक चर्चित गाँव है, जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली भी है, और अभी तो महाराणा प्रताप जी की जो है ना प्रतिमा भी स्थापित की गई है हाल फिलहाल, हमने वो कवरेज भी आपको दिखाई थी। बाकी यहाँ पर हम दीपांशु के घर पर पहुँचे थे और पूरे परिवार से हमने बातचीत भी करवाई आपकी, साथ में दीपांशु ने बताया कि किस प्रकार से वो यहाँ पर तैयारी करते थे, नॉर्मल से एक साधारण से परिवार से पढ़ाई करके मतलब रह के यहाँ पर, और अब IIT तक ये जाएंगे, आगे देश के अंदर एक अपना एक अहम एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे इंजीनियर बनकर। हम उम्मीद करते हैं कि इनके जो भी सपने हैं वो साकार रहें और हो जाएं जितना जल्दी हो सके, और साथ में जैसा कि बता रहे हैं सभी परिवार वाले कि टैगोर स्कूल का योगदान है, तो टैगोर स्कूल यूं ही इन बच्चों के और इस तरह के अन्य बच्चों के जो हैं सपने साकार करता रहेगा। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर इस तरह की हम आपको पॉजिटिव खबरें और भी दिखाते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और दूसरे बच्चे जो हैं इंस्पायर हो सकें। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।